हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये चैप्टर अपना चल रहा था, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, मीन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कैसा चार्ज आता है, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। उसमें देखो हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट जो इफेक्ट था अपना वो था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हमने आई इफेक्ट भी बोला था। और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने टू टाइप्स देखे थे, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट में कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। नेगेटिव आई इफेक्ट में हमने देखा कि कार्बन चेन के साथ जेड जो ग्रुप होगा वो कोई ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, विड्रॉ करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब उसके बाद में सेकेंड अपने पढ़ाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके भी टू टाइप थे, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ये अपना परमानेंट इफेक्ट था और ये इफेक्ट कैसा था, टेम्परेरी इफेक्ट था। और इसमें हमने देखा कि भाई किस तरह से जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड चलो आपको नहीं पता कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड हमने शिफ्ट किया था, जैसे कि एग्जाम्पल लिया था सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड है ये किस पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। और अब हमारे पास में दो सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स जब दोनों का मूवमेंट सेम एटम पे हो रहा है, मीन्स बॉन्ड भी ऑक्सीजन की तरफ ही मूव कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऑक्सीजन की तरफ ही मूव कर रहा है, इस इफेक्ट को हमने बोला प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड हमने देखा अगर बॉन्ड तो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है बट जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कार्बन पे मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड इफेक्ट पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो था ना उसमें हमने ये देखा था वो इस इफेक्ट के सिमिलर ही होता है। प्लस आर इफेक्ट में हमने देखा वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और माइनस आर इफेक्ट में देखा कि बेंजीन रिंग पे कोई आपका कोई भी ग्रुप अटैच होगा जो बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्लियर। बट यहां पे क्या होगा, काम यही हो रहा है, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आर वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, माइनस आर वाला भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि ये जो होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। और हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी भी थी, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट जो था उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर बेंजीन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, OH, तो ये जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा तो डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी। और आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, माइनस आर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। माइनस आर इफेक्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। चलो तो ये एक छोटा मोटा रिविजन हो गया डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट थे उनका, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। हाँ बच्चों, प्लस आर इफेक्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई थी ना आपको, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें नहीं समझ आई है, तो मैं किसी और पैटर्न से आपको
करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं कौन से इफेक्ट की, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट का मीनिंग क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। किसमें से विड्रॉ करेगा, जेड बेंजीन रिंग में से। अब कौन कौन हो सकता है, देखो हमने सी एच ओ ग्रुप पढ़ा था, आईपीएससी नेमिंग में पढ़ा ना आपने, सी एच ओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। COOH ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन NO2 ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रो। ठीक है, तो जब इस तरह के डिफरेंट जो ग्रुप है वो अगर बेंजीन रिंग पे अटैच हो तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ। समझ आई बात, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, देखो हम फर्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। बेंजीन रिंग है और इस पे क्या प्रेजेंट है, सी एच ओ। अब इस सी एच ओ को मैं इस तरह से बना रही हूँ, देखो एक ही बात है ना, सी एच ओ। समझ में आया या नहीं आया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने बोला ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा है, इसको अपन इरेज कर देते हैं ताकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब हमने क्या देखा, ये जो ग्रुप है सी एच ओ, ठीक है, ये सी एच ओ ग्रुप कैसा है बेटा, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं पता तो तुम लोग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, अट्रैक्टिंग मीन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, किस तरह से करेगा, देखो ये बेंजीन रिंग से अट्रैक्ट करेगा। अब इससे कोई अट्रैक्ट करने वाला है तभी ये बेंजीन से अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा ये अट्रैक्ट, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था FON सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब कार्बन पे क्या होगी, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो जब ये इधर विड्रॉ करेगा तो कार्बन चेन क्या करेगा, वो अपनी तरफ नीचे वाला है जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, यहां इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। मींस ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। क्यों, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। अब यहां क्या काम होगा, यहां ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, कमी हो गई, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी को अपन किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से शो करते हैं ना, और एफिशिएंसी को किससे शो करते हैं, नेगेटिव से। एफिशिएंसी किस पे आई, ऑक्सीजन पे आई, और डेफिशिएंसी किस पे आई, इस वाले कार्बन पे आई। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाए, देखो क्या बनेगी स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि जो चीज आपने चेंज नहीं की है, ठीक है, वो आप मत चेंज करो, पहले उनको मेंशन करो। तो देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सी, सी के साथ जो एच अटैच है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बट जो ऑक्सीजन अटैच है उसमें चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो
डबल बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पास. मींस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. क्लियर है. अब देखो एक काम और क्या हुआ है, ये जो नीचे वाला रिंग वाला डबल बॉन्ड था ये ऊपर चला गया. ऊपर मतलब यहां. तो यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया. कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि यहां पे 1, 2, 3, 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4. अब इसकी एक वैलेंसी यहां शिफ्ट हो गई ऑक्सीजन पे, तो इसको तो नीचे डबल बॉन्ड मिल गया, तो अभी भी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4. बट इस पोजीशन पे यहां क्या क्रिएट हो गई बेटा, डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मीन्स हमने क्या शो कर दिया, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, इससे पहले वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी वहां यहां पे नेगेटिव चार्ज आता था, ठीक है, और उस नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया, नीचे शिफ्ट किया. लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव मींस क्या होता है, नेगेटिव मींस होती है एफिशिएंसी. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है. यहां क्या लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते. जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह ना हो, ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एक चॉकलेट दो, आप बोलोगे मैम मेरे पास तो है ही नहीं बेटा, फिर भी मुझे दो. तो मतलब जब आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो आप उसको कैसे दोगे, नहीं दे सकते ना. वो इसीलिए कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर हम इस प्लस को आगे शिफ्ट करें, प्लस मतलब ये खाली है, इसने हाथ ऊपर कर दिए, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, अब कंडीशन ये होगी, देखना ध्यान से क्या होगी इसके अंदर, ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए, ठीक है, समझ आ रही है बात, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए तो इस डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा. और जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो इस जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, इस कार्बन ने अभी भी बॉन्ड बना रखा है, ये जब ऊपर जाएगा तो इस कार्बन के पास तो फिर भी बॉन्ड होगा, ठीक है. यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, और जब यहां डेफिशिएंसी होगी तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो पहले तो आप क्या करो, जिसको आपने कुछ भी चेंज नहीं किया वो चेंज देखो, आपने यहां कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, उसके बाद आपने यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां एच, यहां सिंगल बॉन्ड ओ और नेगेटिव, इतना स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज आएगा, हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें, ठीक है. अब हमने चेंज किया कहां, हमने चेंज किया ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया, मींस यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां आ गई डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज, समझ आ गया बच्चों लोगों. अब देखो आगे फिर से ये पॉजिटिव का आगे शिफ्ट हो नहीं सकता, वही सेम कंसेप्ट, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी आगे कैसे जा सकती है, किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो आगे कैसे ट्रांसफर करेगा. अब नेक्स्ट क्या होगा, वही ये डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है. अब नीचे लाओ इसको, क्या होगा, जो चेंज आपने नहीं किया उसको पहले लिखो, इसको चेंज किया नहीं किया हमने, इसको चेंज किया नहीं किया, इस पे जो एच है उसको चेंज किया नहीं किया, इस पे जो ओ और नेगेटिव है इसको भी नहीं चेंज किया, हमने इसको एज इट इज दे दिया, ठीक है. अब हमने चेंज क्या किया, हमने डबल बॉन्ड को नीचे शिफ्ट कर दिया, यहां बना लिया डबल बॉन्ड, ठीक है. अब जब ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से. क्लियर हो गया, चलो अब नेक्स्ट फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब
इसके पास डेफिशिएंसी आ गई, फिर से अब ये क्या करेगा, फिर से अपने ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे दो कोई अल्लाह के नाम पे उसको दे दो। तो ये क्या करेगा, वापस से ऊपर वाले से मांगेगा। अब ऊपर वाले से मांगेगा तो ऊपर वाला आएगा नीचे और ये आएगा इधर वापस से। समझ आया नहीं आया? जब ये नीचे आएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो वो किससे लेगी, ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो उसने नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में अपने पास इतनी देर से रख रखा था, उसको वो वापस से इसको डोनेट कर देगा। तो देखो क्या होगा, ये हमने स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ कोई चेंज नहीं आया, यहाँ कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब चेंज कहाँ आया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मीन्स यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हमने बना दिया सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद एच में हमने कोई चेंज नहीं किया, ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया, इट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है। तो ये इसकी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को आप कॉपी में बना लो, अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा बता दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हम कौन सा इफेक्ट कर रहे हैं बेटा, माइनस आर इफेक्ट, मीन्स जब क्या हुआ, जब बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। चलो तो हमारे कितने इफेक्ट्स हो गए बेटा, 3 इफेक्ट्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, एंड नाउ फोर्थ इफेक्ट, फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताना चाहूंगी, ठीक है। देखो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है ना आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा 100%, ठीक है। एस का हमने स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी का हमने स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है, डंबल शेप होता है। डी का हमने स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है, डबल डंबल शेप होता है। और एफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमने देखे, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पता है ना, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड 4th चैप्टर में भी आ गया है और 2nd चैप्टर में भी आ गया है, और दोनों ही चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पता तो एक बार यहाँ देख लो, लाइक जैसे ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इस तरह से दूसरा पी ऑर्बिटल अगर इसके साथ कंबाइन हो जाए, ये इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे ये इस तरह से, ये भी इस तरह से, तो इन्होंने आपस में कैसा ओवरलैप किया है, हेड टू हेड, मीन्स इनके हेड आपस में मिले हैं, ठीक है। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे एक जगह रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना सारे इसी इसी पर रहेंगे, लाइक जैसे 4 स्टिक्स है और चारों के चारों स्टिक एक साथ है, ठीक है, तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। तो वैसे ही सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है,
अब दोनों p ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो p है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। इस तरह से ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। वैसे डिटेल में आपने फोर्थ चैप्टर में इसको पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कैसा होता है बेटा, वीक होता है। क्यों होता है वीक, देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि सिग्मा बॉन्ड मीन्स मेरे पास फोर स्टिक्स है और फोर के फोर स्टिक्स एक साथ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टू स्टिक्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया, टू को नीचे कर दिया और फिर उनको ब्रेक किया, तो वो क्या होगा, इजीली ब्रेक होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो वही कंसेप्ट होता है यहां क्या था, सिग्मा बॉन्ड में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसी एक्सिस पे, ठीक है। और पाई बॉन्ड में क्या होगा, ये जो एक्सिस है आधे इसके ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन और आधे कहां चले गए, नीचे आ गए, क्लियर है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें वन सिग्मा होता है एंड वन पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास बेंजीन रिंग थी, ठीक है। बेंजीन रिंग में हम क्या देख रहे थे कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो रहे थे, मूव कर रहे थे, तो हमेशा ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये ही मूव कर रहा था। सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो रहा था, बिकॉज सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और सेकेंड कौन सा होता है, पाई, जो कैसा होता है, वीक होता है, इसलिए वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, समझ आई बात। तो हम यहाँ पे जो क्लीवेज करते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, वो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्लियर। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, क्या किया जाता है, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए जाते हैं और उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करना होता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने से पहले इसी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने भी दे दूंगी। देखो जैसे ये है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, इसके स्ट्रक्चर में होगा सी एच 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 सी एच एच एच, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, सारे सिग्मा होंगे ना, कितने सिग्मा हुए टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने सिग्मा हुए, सेवन सिग्मा, और पाई कितना हुआ, जीरो। अब मान लो अगर ऐसा एग्जाम्पल हो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एच एच डबल बॉन्ड एच एंड एच, तो यहां पे क्या होगा, वन सिग्मा 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 पाई सिग्मा एंड सिग्मा, तो यहां पे कितने सिग्मा होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तो सिग्मा होंगे और वन क्या होगा, फाइव, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एटम में सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूं, फटाफट उसके सॉल्व करना। फर्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन, सेकेंड एग्जांपल इज सी एच थ्री सी ओ एच, सबका स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताया हुआ है, खुद से करोगे। थर्ड इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच थ्री, एंड फोर्थ इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, ठीक है। ये फोर एग्जाम्पल्स है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करना है।